अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप हैंड रेस कर दें ताकि मुझे पता चले कि चलिए थैंक यू, अपने हैंड डाउन कर लें जी। तो हम बेटा प्रीवियस आपकी क्लास पे सेहत और सफाई का जो सबक है वो पढ़ रहे थे। ये एक मुकालमे की शक्ल में क्लासरूम के अंदर जो है ये मुकालमे की सूरत में आपका ये सबक है जिसमें बच्चे अपने टीचर के साथ सेहत और सफाई के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो सफाई आपको पता है कि सेहत और सफाई का बहुत गहरा ताल्लुक और साथ है। सेहत तभी होगी जब सफाई होगी, अगर सफाई नहीं होगी तो फिर बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं जी। तो बच्चों ने अपने टीचर के साथ सेहत और सफाई के बारे में बातचीत की जिसके जरिए हमें बहुत सी ऐसी मालूमात हासिल हुई जिसके बारे में हम पहले नहीं भी जानते थे जी। आपको पता है कि हम मुसलमान हैं और सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम साफ सुथरे और बावजू रहेंगे तो ही हम एक सच्चे और सही मुसलमान बन सकते हैं। हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले हम वजू करते हैं। वजू जो है हमारे जिस्म के उन तमाम हिस्सों को जो के कपड़ों से बाहर होते हैं और जरासीम का जिन पर ज्यादा हमला होता है उन तमाम आज़ा की हमारे वजू के जरिए से सफाई हो जाती है। और एक सेहतमंद दिमाग जो है वो एक सेहतमंद जिस्म में ही होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने लिबास को और अपने जिस्म को साफ रखें, रोजाना नहाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर ना सिर्फ अपने आप को साफ रखें बल्कि अपने घर, स्कूल, गली और मोहल्ले की सफाई का भी ख्याल रखें। तो नेक्स्ट पेज पे जो हमने पढ़ा वो ये है कि अपने घर, गली और मोहल्ले की सफाई का खास ख्याल रखें और मतवाजन खुराक खाएं। मतवाजन और साफ सुथरी खुराक जो है वो भी इंसान को सेहतमंद रखती है। मतवाजन क़ज़ा से मुराद ये है कि आप साफ सुथरी सब्जियां और फल खाएं, दालें भी खाएं, ये नहीं कि हर वक्त गोश्त खाएं या फास्ट फूड खाते रहें। अगर आप तमाम तरह के ग़ज़ाई अज्जा नहीं लेते जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं तो उसकी कमी की वजह से भी आप बीमार हो जाते हैं। गले सड़े फल नहीं खाएं, बहुत ज्यादा कच्चे फल नहीं खाएं तो इससे मैदा खराब हो जाता है। सलाद खाएं, सलाद में गाजर, मूली, चुकंदर, बंद गोभी वगैरह शामिल है, खीरा, टमाटर वगैरह जो है इन्हें हम सलाद के तौर पे खाते हैं। तो सलाद के तौर पे खाए जाने वाली सब्जियां जो हैं वो हमारे मैदे के लिए भी बहुत अच्छी हैं और उससे हमारे दांत भी मजबूत होते हैं। उसके बाद जब दांतों की सफाई की बात आती है तो उसमें बेहतरीन तरीका जो है वो मिसवाक का है, ये सुन्नत रसूल भी है। इसके अलावा मंजन और टूथपेस्ट के साथ भी दांत साफ किए जाते हैं। दांत साफ रखने से आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं क्योंकि दांतों के जरिए हम खुराक चबाते हैं और चबाने के बाद वो हमारे मेजे तक जाती है। अगर हमारे दांत साफ नहीं होंगे तो दांतों के साथ जो जरासीम लगे होंगे वो हमारे खाने के साथ मिलकर हमारे मेदे में चले जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। और वैसे भी गंदे दांत जो होते हैं वो बात आप करते हैं या मुस्कुराते हैं तो गंदे दांत अगर नजर आए आपको किसी के तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए दांतों की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। उसके अलावा आंखों, कानों, दांत और मुंह वगैरह, हाथ पांव की सफाई का भी तरीका है और वो सबसे बेहतरीन तरीका वजू का है। ठीक है, तो पाकिजगी और सफाई जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए
एक मुसलमान होने की हैसियत से और एक अच्छा इंसान होने की हैसियत से हमें अपने आप को साफ रखना है और एक अच्छा और जिम्मेदार शहरी होते हुए अपने गली मोहल्ले शहर और मुल्क की सफाई का भी ख्याल रखना है। तो आगे देखते हैं, एक्सरसाइज देख लीजिए, इसमें आपका है सवाल नंबर 3। जी, सवाल नंबर 3 है मतवाजन, इसका मुतजाद यानी कि उलट है गैर मतवाजन, बेहतरीन का बदतरीन, सेहत बीमारी, खतरनाक मुफीद, मैले कुचैले साफ सुथरे। MCQs देखें, सफाई किसका हिस्सा है? इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है ईमान का, उसे टिक कर लें। सेहतमंद दिमाग कहाँ होता है? एक सेहतमंद जिस्म में। ऑप्शन नंबर 3 जो है एक सेहतमंद जिस्म में, इसे टिक कीजिए। कौन सी गिजा जिस्म को सेहतमंद रख सकती है? मतवाजन। जो चौथा ऑप्शन है मतवाजन, उसको टिक करें। दांत साफ करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? मिसवाक। ऑप्शन नंबर 4 मिसवाक को टिक करें। रोजाना गुस्ल करने से जिस्म से क्या उतर जाता है? मैल। ऑप्शन नंबर 1 जो है उसको टिक कर लें। जी आगे सवाल नंबर 6 है, दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही करें। अलिफ है, अपने मुल्क और कौम की भलाई और फायदे के लिए काम करना हमारा फर्ज है। ये ऑप्शन दुरुस्त है, दुरुस्त पर टिक लगाएं। सलाद खाने से हमारा दिल ज्यादा खून बनाता है, ये गलत है, इस पे गलत पर टिक लगाएं, क्योंकि सलाद खाने से हमारा जिगर खून बनाता है। सफाई और पाकिजगी दीन का हिस्सा है, आपकी बुक में ईमान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसलिए गलत है ये, इस पे गलत को टिक करें। आगे दाल है, खाना ज्यादा पकाने से हयातीन जाया हो जाते हैं, ये दुरुस्त है, दुरुस्त पे टिक लगाएं। अल्फाज के मानी बेटा आपको पहले लिखवाए जा चुके हैं। आगे सवाल नंबर 10 है, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ, अलिफ में है पानी, इसका राइट जो ऑप्शन है वो है वजू, सामने लिखा हुआ बेटा स्क्रीन पे। मतवाजन खुराक, कच्ची सब्जियां, मिसवाक, सुन्नत, खतरनाक, जरासीम। ये नोट कर लें, इसके बाद अपनी वर्कबुक निकालिए। जी वर्कबुक का पेज नंबर 46, सेहत और सफाई का चैप्टर निकालें। जी अल्फाज के मानी बेटा आपको पहले बुक में नोट करवा दिए गए हैं, आपने जो है लूज शीट पे ये सारा काम उतारना है, वर्क बुक के ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना। अल्फाज मानी पढ़ते हैं, आगाह करना बताना, ताकीद करना बार बार कहना, हयातीन विटामिन, कराहत नफरत, मुखातिब बात करने वाला। सवाल नंबर 1 है, मिस सादिया के स्कूल में क्या मनाने का फैसला हुआ? जिसका जवाब है, मिस सादिया के स्कूल में हफ्ताए सफाई मनाने का फैसला हुआ। सवाल नंबर 2 है, सेहतमंद दिमाग के लिए कौन सी चीज जरूरी है? इसका जवाब है, सेहतमंद दिमाग के लिए
सेहतमंद जिस्म जरूरी है। सवाल नंबर 3 है, हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं? इसका जवाब है, अपने जिस्म और लिबास को साफ रखने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। जिस्म और लिबास को साफ रखने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, सेहतमंद जिस्म के लिए कैसी खुराक की जरूरत है? इसका जवाब है, सेहतमंद जिस्म के लिए मतवाजन खुराक की जरूरत है। ये नोट कर ले बेटा अपने पास काम। जी, सवाल नंबर 5 है, मतवाजन गिजा से क्या मुराद है? ऐसी गिजा जिसमें विटामिन सही मिकदार में शामिल हो, खाना ना ज्यादा पका हुआ हो और ना ही बहुत कच्चा हो, ऐसी गिजा को मतवाजन गिजा कहते हैं। सही का जो लफ्ज है बेटा, ये थोड़ा सा इसकी इमला मुश्किल होती है। स्वाद है, ये और फिर है, दो दफा है इसमें आती है और दो है के दरमियान ये है, ठीक है? तो आपने ये लफ्ज लिखने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल अल्फाज जो आप सबक के अंदर पढ़ते हैं बेटा, उन अल्फाज को इमला के तौर पर कम से कम 30 अल्फाज जो हैं वो हर सबक में से इमला के जरूर लिखा करें, ठीक है? क्योंकि मुश्किल अल्फाज की जब आप बार बार इमला नहीं जब तक करेंगे वो आपको लिखने नहीं आएंगे। जी, सवाल नंबर 6 है, दांत साफ करने का मसनून तरीका क्या है? इसका जवाब है, दांत साफ करने का मसनून तरीका मिसवाक है, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जी बेटा, ये नोट कर लें। जी, सेहत और सफाई का खुलासा, पेज नंबर 49। जी बेटा, जो चैप्टर आपने पढ़ा है इसका खुलासा भी आपने याद करना और लिखना है। सबसे पहले आप सेहत और सफाई की पेज के सेंटर में उर्दू मार्कर के साथ हेडिंग देंगे। राइट साइड पे आप खुलासा की हेडिंग देंगे। जी, उर्दू मार्कर के साथ बेटा आपने हेडिंग्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि बहुत से बच्चे जो काम लिखकर भेज भी रहे हैं बेटा, वो काम आप लोग नीट राइटिंग में नहीं करते, और खास तौर पे उर्दू मार्कर का जो इस्तेमाल है वो भी सही नहीं है। तो सिक्स क्लास बेटा, आप लोग उर्दू मार्कर का जो इस्तेमाल है वो उसकी काम के अलावा भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, ताकि हेडिंग्स जो है वो आपकी नीट हो सके। जी, तब खुलासा पढ़ेंगे। इस्लामी तालीमात में सफाई पर बहुत जोर दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ का मतलब होता है आधा ईमान, यानी अगर आप साफ सुथरे और बावजू रहते हैं तो समझें कि आपको आधा ईमान जो है आपने वो हासिल कर लिया साफ सुथरा रहकर, ठीक है। जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते वो सुस्त, काहिल और नाकारा हो जाते हैं। एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। बेटा, इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं जैसे कि निस्फ, सुस्त, काहिल और नाकारा, इन अल्फाज की भी आपने इमला करनी है। सेहतमंद रहने के लिए ग़िज़ा का मतवाजन होना जरूरी है। हमें ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिसमें विटामिन सही मिकदार में मौजूद हो। सही का लफ्ज यहाँ भी आया है, तो इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कच्चे और बहुत ज्यादा पके हुए फल और सब्जियां सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। कच्ची सब्जियां यानी कि सलाद, ब्रैकेट में सलाद लिखा हुआ है, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर और बंद गोभी वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इंसानी अज़ा को साफ सुथरा रखने का बेहतरीन तरीका वजू है। पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखें, दांतों की सफाई और हर रोज गुसल करना हमें जरासीम से महफूज रखता है। नाखूनों और बालों को वक्त पर कटवाना चाहिए। अपने माहौल को साफ सुथरा रखने से ना सिर्फ इंसान खुद सेहतमंद रहता है बल्कि इर्द गिर्द के लोग भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं, ठीक है। ये आपका खुलासा है, तो खुलासे को आपने अच्छी तरह से याद करना है, और याद करने के बाद आपने इसको लिखना है। अब बेटा, मैं आपकी वर्कबुक का जो है वो दोबारा से जो है आपके पेज नंबर 46 शो कर रही हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया तो वो अपना काम मुकम्मल कर सके। पेज नंबर 46 आपके सामने है बेटा, आप अपना काम मुकम्मल कर लें इसको देखकर, अगर किसी का रह गया है तो। जी, अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 47। बेटा, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैं आपसे अभी 5 मिनट्स के बाद जो है फिर बात करती हूँ। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये एमसीक्यूज है बेटा आपके सामने। आपने इस चैप्टर में से तमाम जो मुश्किल अल्फाज हैं उसकी इमला करनी है, और उसके अलावा जो आपके अल्फाज मायने भी दिए जाते हैं बेटा, उनकी भी अल्फाज को भी इमला के तौर पे लिखा करें, ताकि आपकी राइटिंग की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि सिक्स क्लास में बहुत से ऐसे मुश्किल अल्फाज और नए नए अल्फाज जो है आपको बुक के अंदर पढ़ने को और देखने को मिलते हैं, तो बेटा आप उनकी जब तक रिटन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे, इस तरह वो अल्फाज आपको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो
तो इसलिए जरूरी है कि आप इमला बार बार करें और वह ध्यान से इमला किया करें। ये वर्कबुक का पेज नंबर 46 है आपके सामने। अच्छा बेटा, आपकी रीडिंग बुक का पेज नंबर 67 देखिए। जी, जिसमें आपका सवाल नंबर 2 है कि दर्ज ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि मफहूम वाज़े हो जाए। जी, तो ये जुमले भी आपने बनाने हैं। आगाह का मतलब है बताना, आगाह का मतलब है बताना, भलाई का मतलब है किसी के साथ अच्छाई करना, फिजा हमारी आबो हवा, कराहत इसका मतलब नफरत या बेजारी है, जिम्मेदार, जिम्मेदार का मतलब है कि वो शख्स जो अपनी जिम्मेदारी को या अपने फराइज को पूरा करे। ठीक है, तो इन अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जी हसन आसिफ बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपने बेटा कोई सवाल करना है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम टीचर। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम टीचर, आपका लेक्चर ट्यूसडे और थर्सडे को होता है ना? जी बेटा, जरा आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है, जरा से बोले। हेलो। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम टीचर, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी बेटा, बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। जी टीचर, आपका लेक्चर ट्यूसडे और थर्सडे को होता है, तो टीचर ट्यूसडे को तो मैं 4th year पे गया हुआ था और जो थर्सडे को तो लाइट हमारी तो लाइट चली गई थी और रात के 2 बजे आई थी, तो टीचर जो मेरे 2 lectures मिस हुए हैं, ये मैं यूट्यूब पे लास्ट वीक में, बेटा लास्ट वीक की बात कर रहे हैं टीचर। यस, इससे पिछले हफ्ते। हाँ जी, तो बेटा आपके ना वो लेक्चर जो है ना वो यूट्यूब पे डाल दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से अपने वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। ठीक है टीचर, कब तक डालेंगे फिर? बेटा वो आपको एक आध दिन में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, ओके टीचर, थैंक यू। ओके जी, मरियम नदीम। जी बेटा, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा,
मैंने ना आपने कहा याद ने फर्स्ट टर्म का जो काम करवाया था शेख सादी के कवाल सरवार सारे वगैरह, जी इसे मैंने वर्क मिस मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स वर्कबुक पे ही कर लिए थे। अभी आपने कहा कि वर्कबुक पे नहीं करने तो मुझे याद आया कि मैं तो बेटा, आप लोगों को तकरीबन बहुत से बच्चे ये सवाल बार बार करते हैं कि काम वर्कबुक पे करना है या नहीं। तो बेटा आप लोगों को वो बहुत दफा बताया है हम लोगों ने। चलिए अगर आपने जो कर लिया है काम, उसको रेस तो ना करें, लेकिन आइंदा मत करें उसके ऊपर, ठीक है? क्योंकि वो जब आपके ओके ना स्कूल आएंगे तो फिर हम खुद आपको क्लास में उसके ऊपर काम करवाएंगे। क्योंकि तमाम बच्चे जो है ना वो नीट एंड क्लीन काम नहीं करते, क्योंकि जो काम भी हमें मिलता है ना उससे भी पता चलता है कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छा काम, तो आपकी बुक्स खराब हो जाएंगी। इस तरह जो कर लिया है ठीक है, उसे रहने दें और आइंदा मत करें, ठीक है जी? ओके जी। अराया खलीक, अस्सलाम टीचर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। टीचर मेरे पास जो था ना इस चैप्टर के, मुझे ना वो एमसीक्यूज नहीं समझ आ रहे थे, वो अब मैंने देख लिए हैं। अच्छा, इस चैप्टर के बेटा? नहीं टीचर, इससे पहले वाले के, मुझे अच्छा में नहीं था ये कर लिए। हाँ जी, अब वो मैं कर लिए। चलिए ठीक है। और बेटा बस कोई बात? जी नो थैंक यू। ओके थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। जी अंसा जी बेटा। जी बेटा सिमरन। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। ये जो दो गलत दुरुस्त हैं, ये सलाद खाने से हमारा दिल भी ज्यादा खून बनाता है और सफाई और परहेजगी भी इनका हिस्सा, ये दोनों दुरुस्त नहीं होंगे? नहीं बेटा, सलाद खाने से हमारा दिल ज्यादा खून बनाता है ये गलत है, क्योंकि सलाद खाने से खून बनाना जिगर का काम है, ठीक है? दिल का काम जो है करना होता है, खून को बनाना नहीं होता, इसलिए ये गलत है, ठीक है? और उसके अलावा जो दीन का हिस्सा लिखा है वो ईमान का हिस्सा, इसका दुरुस्त है, आपने गलत दुरुस्त। और जो एमसीक्यूज होते हैं बेटा, वो जो बुक में आपकी वर्डिंग यूज हुई होती है ना उसके मुताबिक करने होते हैं, ठीक है? ओके बेटा, सिक्स क्लास, अब आपका जो है ये उर्दू की क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो अल्लाह हाफिज। लेकिन सर ने कहा था कि वो आप जब एंड करेंगे ना तो वो